गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। आई एम हर्षित चौटालिया फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिप्रेजेंटेटिंग दिस सेशन ऑफ डिज़ाइन ऑफ एसी मशीन विथ यूनिट फर्स्ट एज ए डिज़ाइन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इन विच प्रीवियसली वी स्टार्टेड रोटर डिज़ाइन मॉड्यूल 3 एंड वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक शेप ऑफ द रोटर स्लॉट्स और शेप ऑफ रोटर। क्लियर? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस बेसिक टॉपिक। नॉर्मली वी नो दैट द स्लॉट एरिया दैट इज इनफ टू एकोमोडेट द रोटर बार। सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ दैट रोटर और शेप ऑफ बेस ऑन इट स्लॉट्स टाइप, दैट शुड बी टू। एज ए फर्स्ट वन इज क्लोज्ड, सेकंड वन इज सेमी क्लोज्ड। क्लियर? जबकि हमने खुद स्टेटर में देखा था ओपन और सेमी एनक्लोज्ड थे। यहाँ पे अगर हम रोटर डिजाइन कर रहे हैं एट दैट टाइम दैट स्लॉट्स शुड बी क्लोज्ड और सेमी एनक्लोज्ड। क्लियर? ओके, हियर वी कैन ऑल्सो से दैट द क्लोज्ड स्लॉट्स कैन बी यूज्ड एट स्मॉल मशीन इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स, और स्मॉल रेटिंग मशीन्स हैव क्लोज्ड रोटर स्लॉट्स। ओके, सो अगर मैं आपको रोटर स्लॉट के बारे में बताना चाहूँ तो एक चीज़ कि भाई रिलक्टेंस है जो कि एयर गैप का, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज देर इज नो स्लॉट ओपनिंग दैट गिविंग अ लेस मैग्नेटाइजिंग करंट। सो आई एम जो कि आपको अगर हम इन टर्म्स ऑफ बताना चाहूँ मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में, तो कि मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कम रहेगा या फिर कम स्मॉल वैल्यू पे रहेगा। सो स्मूथ रोटर सरफेस दैट गिव्स क्वाइट ऑपरेशन। क्लियर? और दीज क्लोज स्लॉट्स हैव द लीकेज रिएक्टेंस इज लार्ज विच लिमिट्स द स्टार्टिंग करंट, या फिर स्टार्टिंग करंट जो भी आपका है वो काफ़ी लो रहेगा। क्लियर? ओके, वन अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल कि भाई आपका जो भी रोटर स्लॉट की बात चल रही है, यहाँ पे जो कि हम स्टार्टर यूज़ करते हैं DOL स्टार्टर या कोई भी, तो यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस जो कि लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा रहता है। क्लियर? लीकेज रिएक्टेंस शुड बी हायर। सो वी कैन से दैट कि अगर लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा है दैट विल रिड्यूस अवर ओवरलोड कैपेसिटी, सो दैट वी कैन से कि सेमी एनक्लोज स्लॉट शुड बी यूज, विच काइंड ऑफ सेमी एनक्लोज स्लॉट्स शुड बी प्रीफरेबल और यूज वेर एट हायर ओवरलोड कैपेसिटी। क्लियर? अगर आपकी ओवरलोड कैपेसिटी हायर है एट दैट टाइम वी कैन यूज सेमी एनक्लोज स्लॉट्स, वाइल वी कैन नॉट यूज दी क्लोज स्लॉट्स। वाई? फिर से ये चीज़ मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि जबकि आपका ड्यूअल स्टार्टर है या फिर कोई भी स्टार्टर हो, उसमें लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से ओवरलोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जबकि क्लोज स्लॉट्स की हम बात करें तो वहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से उसकी ओवरलोड कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसे हम रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? सेमी एनक्लोज स्लॉट्स प्रीफर करते हैं फॉर हायर ओवरलोड कैपेसिटी। क्लियर? ओके, सो वन अनदर थिंग दैट इज यूज्ड दैट इंक्रीजिंग इन द रेजिस्टेंस एट इट्स स्टार्टिंग, एंड दिस इज वेरी गुड और गुड फॉर आवर मशीन दैट स्टार्टिंग करंट और सॉरी स्टार्टिंग टॉर्क दैट शुड बी हायर। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग टॉर्क शुड बी हायर। क्लियर? ओके, विच विल प्रोवाइड अस एज ए हायर लीकेज रिएक्टेंस एंड हायर फ्लक्स डेंसिटी एट द रूट ऑफ द टीथ। क्लियर? ओके, नाउ इसका शेप यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको
डिसाइड या फिर डिफाइन किया है कि भाई इसका शेप कैसा होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स एडवांटेजेस ऑफ द क्लोज्ड स्लॉट्स व्हिच आर एक्सप्लेन हियर दैट एडवांटेजेस ऑफ द क्लोज्ड स्लॉट्स. फर्स्ट वन इज लोअर रिलक्टेंस. यहाँ पे जो कि हमने यहाँ पे पहले ही इसका जो भी शेप के बारे में डिस्कस किया उसमें ये चीज़ मैंने बताई है, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट भी कम होगा क्योंकि लीकेज रिएक्टेंस कम है, तो ये आपका मैग्नेटाइजिंग करंट भी कम होगा. क्लियर? विच वी लीड्स टू दी क्वाइट ऑपरेशन, सॉरी हाँ क्वाइटर ऑपरेशन. देन आफ्टर इट्स स्टार्टिंग करंट, आई स्टार्टिंग या फिर करंट ऑफ दैट स्टार्टिंग ऑफ द मोटर शुड बी लोअर. क्लियर? बट मेन डिसएडवांटेजेस जो कि क्लोज लोड के लिए है वो है ओवरलोड कैपेसिटी रिड्यूस्ड या फिर कम रहेगी. क्लियर? ओके. सो ये बात हुई आपकी स्लॉट की डिजाइन की या फिर शेप ऑफ द स्लॉट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंड रिंग करंट. क्लियर? एंड रिंग करंट, उसके लिए आपको एंड रिंग की डिज़ाइन पहले हम डिसाइड करेंगे, देन आफ्टर उसके करंट का इक्वेशन भी डिराइव करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक एंड रिंग डिज़ाइन. हियर यहाँ पे आप फिगर देख के भी आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है. उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि रोड एंड रिंग क्या है. तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई आपके रोटर बार है उसके साथ उसके एंड टाइप पे, जबकि हमने शाफ्ट ड्रॉ की थी उसके ऊपर जो आपका यहाँ पे रोटर होता है उसके ऊपर यहाँ पे बाहर की साइड जो लगता है विच इज़ कॉल्ड एज एंड रिंग. तो एंड रिंग वो एक कंडक्टिंग मटेरियल है जो कि इसके शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, जो कि बाहर की साइड रोटर की शाफ्ट है, सॉरी रोटर के बाहर की साइड में हम प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? ओके. यहाँ पे जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि EMF प्रोड्यूस करता है हमारे रोटर कंडक्टर्स में, तो एट दैट टाइम उसका शेप कैसा रहेगा, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि वो पूरा साइनोसॉइडल होगा. क्लियर? तो उसकी वजह से हम क्या बता सकते हैं कि भाई आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करंट है या फिर आपके रोटर कंडक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखें एंड्रिंग के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको फिगर में एक्सप्लेन किया है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रोटर बार करंट के ऊपर से, क्योंकि एंट्रिंग करंट और बार करंट आर साइमल्टेनियसली इफेक्टेड बाय ईच अदर्स. सो वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस एट द एंट्रिंग इज वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ इट्स बार. क्लियर? ओके. वन अनदर थिंग दैट करंट एट द एंट्रिंग इज जीरो एट एनी इंस्टेंट वेयर दैट करंट इन द बार शुड बी मैक्सिमम. क्लियर? जबकि यहाँ पे मैक्सिमम होगा, आपको मैं फिर से यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब रोटर बार करंट है जो कि मैक्सिमम वैल्यू पे है, एट दैट टाइम आपका एंड्रिंग करंट जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया है जीरो होगा. क्लियर? सो आई बी मैक्स और आई बी इज हायर, एट दैट टाइम आई ई एंड्रिंग करंट शुड बी लोअर और अ जीरो. क्लियर? ओके. देन इन अदर टर्म्स लेट सपोज वी कैन से दैट बार करंट इज एट जीरो, एट दैट टाइम दैट एंड्रिंग करंट शुड बी हायर और अ एट पीक. क्लियर? क्लियर? यहाँ पे बात हुई एंड्रिंग करंट की. सेम वे इन अदर टर्म्स लेट सपोज वी कैन से दैट एंड्रिंग करंट is at zero, at that time that bar current is at its negative peak या फिर negatively maximum value पे होगा. clear? जो कि यहाँ पे आपको और बताया कि negative peak पे यहाँ पे वो value रहेगी. where at the time of the entering current should be zero. clear? okay. so ये बात हुई आपके entering current के बारे में. ओके. अब हम बात करते हैं उसके इक्वेशंस के बारे में. तो कि भाई एंड्रिंग करंट के इक्वेशन के बारे में आपको बताना चाहूँ कि एंड्रिंग करंट दैट शुड बी डिफाइंड एज ए एंड्रिंग करंट मैक्सिमम शुड बी बार पर पोल डिवाइड बाय
टू मल्टीप्लाई बाय करंट इन ईच बार और करंट पर बार। सो यहाँ पे बार करंट क्या है, आई बी। अगर मैं यहाँ पे एंट्रिंग करंट की बात कर रहा हूँ तो जो मैंने यहाँ पे प्रीवियस फिगर में भी बताया कि एंट्रिंग करंट और बार करंट एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। तो अगर मैं एंट्रिंग करंट का इक्वेशन डिराइव करना चाहूँ एट दैट टाइम इट इज़ डिपेंडेंट ऑन आई बी। सो आई ई इज इक्वल टू बार पर पोल डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई इट्स बार करंट। क्लियर। सो यहाँ पे बार पर पोल की जो अगर हम बात करें कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो दैट शुड बी एस आर डिवाइड बाई पी। यहाँ पे बार पर पोल जो कि रोटर बार एस आर विच डिनोट्स रोटर बार, सो रोटर बार डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल क्योंकि पर पोल दिया है। सो रोटर बार सा एस आर पर पोल इज इक्वल टू डिवाइड बाय पी एंड डिवाइड बाय टू इज देयर इन इक्वेशन। सो वी कैन से दैट आई मैक्स शुड बी एस आर बाय पी डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय आई बी, वेयर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात करें सो दैट आई बी इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मैक्स वैल्यू। क्लियर। आई बी इज इन मैक्स वैल्यू। ओके सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन इन विच दैट आई शुड बी आई ई मैक्स डिवाइड बाई रूट टू। यहाँ पे आर एम एस करंट की बात चल रही है जो कि हम ये वैल्यू के लिए हम बेसिक फंडामेंटल्स देखें कि पीक वैल्यू या फिर आर एम एस वैल्यू के लिए कि मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू रूट टू ऑफ आर एम एस। क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं आर एम एस फाइंड करना चाहूँ तो मैक्स बाय रूट टू। क्लियर। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, आर एम एस शुड बी मैक्स बाय रूट टू, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया है। उसी इक्वेशन को मैं अगर जस्टिफाई करूँ तो यहाँ पे वन बाय रूट टू एज ए कॉन्स्टेंट ले लेंगे। सेम वे एंट्रिंग करंट इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि टू बाई पाई एस आर बाई टू पी इंटू रूट टू आई बी, क्योंकि यहाँ पे रूट टू क्या है, आर एम एस वैल्यू यहाँ पे ली है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आर एम एस वैल्यू लेना चाहूँ तो यहाँ मैक्सिमम के साथ आर एम एस लेना पड़ेगा। सो इट इज़ मल्टीप्लाई बाई रूट टू, सो देट शुड बी टू बाई पाई इंटू एस आर बाई टू पी अंडर रूट ऑफ टू इंटू आई बी। सो अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि रूट टू आर कैंसल आउट, टू टू आर कैंसल आउट, देन आफ्टर रिमेनिंग पोर्सन इज एस आर डिवाइड बाय पाई इंटू पी मल्टीप्लाई बाय इट्स आई बी। क्लियर। सो एस आर अपॉन पाई पी डिवाइड बाय सॉरी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय बार कर रहा एंड यूनिट फॉर दैट एंट्रिंग इज सॉरी एंट्रिंग करंट इज इन एम्पियर। क्लियर। सो ये बात हुई एंट्रिंग करंट। आपको शायद इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर है तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पे एंट्रिंग करंट का इक्वेशन आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि एंट्रिंग करंट शुड बी, अगर आपको इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टर्मिनोलॉजी पूछते तो होगा बार पर पोल डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई इट्स रोटर बार करंट या फिर करंट पर बार। सो फाइनल इक्वेशन फॉर दैट एंट्रिंग इज एस आर अपॉन पाई पी मल्टीप्लाई बाई आई बी, यूनिट इज एम्पियर। क्लियर। तो एंट्रिंग करंट के लिए आपको ये दो चीज़ें याद रखनी जो कि तीन मार्क के लिए काफ़ी बार पूछी गई है। सो इसमें शायद आपको डाउट नहीं होगा। ओके देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस एरिया ऑफ द एंट्रिंग। सो लेट अस स्टार्ट विथ द टॉपिक एरिया ऑफ एंट्रिंग। एरिया ऑफ एंट्रिंग। ओके सो एरिया जो कि अभी हमने काफ़ी बार यहाँ पे एरिया ऑफ बार करंट या फिर स्लोट्स रोटर बार के जो भी एरिया की बात की थी, एट दैट टाइम हम क्या फाइंड करते हैं, करंट डेंसिटी का इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है, आई इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा। सो इसी इक्वेशन में से ए जो कि एरिया है, डेल्टा और आई जो कि करंट है। यहाँ पे कोई भी टर्मिनोलॉजी के लिए अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
उसकी करंट डेंसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है तो उसमें से हम एरिया को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या बनेगा, एरिया शुड बी इन टर्म्स ऑफ करंट अपॉन करंट डेंसिटी कॉन्स्टेंट, सो दैट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा। यहाँ पे एंड रिंग की बात चल रही है, तो यहाँ पे सारे सफिक्स क्या बनेंगे, इट्स ऑल अबाउट एंड रिंग, सो एरिया फॉर दैट एंड रिंग इज इक्वल टू करंट ऑफ एंड रिंग डिवाइड बाई इट्स करंट डेंसिटी एट इट्स एंड रिंग, क्योंकि करंट डेंसिटी और ये है आपका करंट। यहाँ पे यूनिट के टर्म्स में बताऊँ तो एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वेयर या फिर मिलीमीटर स्क्वेयर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आपका करंट किस में है, करंट है आपका एम्पियर में, फिर आपका करंट डेंसिटी जो कि है एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वेयर, तो एम्पियर एम्पियर कैंसिल आउट, और जो भी आपका डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब कि न्यूमरेटर, सो दैट शुड बी इन एमएम स्क्वेयर, सो यहाँ पे एरिया इज इन टर्म्स ऑफ एमएम स्क्वेयर, क्लियर, ओके। सो यहाँ पे आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपकी करंट डेंसिटी है उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करें या फिर कैसी हो, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि दैट करंट डेंसिटी दैट शुड बी सिलेक्टेड सच दैट द डिजायर्ड वैल्यू फॉर रोटर रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेंड इजीली। हियर वी कैन कीप इन माइंड दैट द वेंटिलेशन कंडीशंस आर वेरी गुड और बेटर फॉर द नियर ऑफ इट्स एंट्रिंग एज कंपेयर टू इट्स रोटर बार, सो at a slightly higher value for that current density should be chosen so that rotor bar can also be considered. Here that value for the current density is in between 5 to 8 ampere per millimeter square, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये भी आपको बताया है। वन अनदर थिंग कि एरिया का इक्वेशन अगर मैं आपको बताऊँ तो एरिया फॉर दैट एंट्रिंग शुड बी एस आर अपॉन पाई पी इंटू आई, चूँकि आपका करंट है, क्लियर, तो सॉरी यहाँ पे तीस टर्मिनोलॉजी, क्लियर, तो ये आपका आई ई हुआ क्योंकि हमने प्रीवियसली डिराइव किया है, क्योंकि आपको यहाँ इस इक्वेशन में भी मिल जाएगा आई ई का इक्वेशन क्या बनता है, एस आर आई बी अपॉन पाई पी मल्टीप्लाई बाई आई बी, एंड एरिया फॉर दैट एंडिंग शुड बी आई ई अपॉन डेल, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ लिखें तो आपका एरिया फॉर एंडिंग क्या बनेगा, एस आर अपॉन पाई पी इंटू आई ई डिवाइड बाई डेल इंटू ई, क्लियर। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आई बी यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि हमारा एंड्रिंग करंट शुड बी एस आर पाई पी अपॉन आई बी, क्लियर, तो यहाँ पे इक्वेशन में आप बुक में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखना है, अगर नहीं पता तो इस प्रेजेंटेशन में आप ये करेक्शन देख लेना कि एरिया फॉर दैट एंट्रिंग इक्वेशन इज एस आर अपॉन पाई पी मल्टीप्लाई बाई इट्स आई बी डिवाइड बाई डेल ई, वेयर डेल इज करंट डेंसिटी, आई बी इज रोटर बार करंट, एस आर रोटर बार स्लॉट्स एंड पाई डिवाइड बाई इट्स पोल, क्लियर। सो ये बात हुई आपके एरिया फॉर दैट एंट्रिंग। अगर उसके डायमेंशन की मैं बात करूँ कि भाई हम आपका जो भी रोटर की एंड्रिंग है, क्योंकि हम साइड व्यू से देखें तो रोटर क्या रोटर बार या फिर एंड्रिंग कैसे दिखते हैं, तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये आपका रोटर की अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं एट दैट टाइम, ये आपकी शाफ्ट है, ये आपका रोटर है, यहाँ पे एंड्रिंग ऐसे होती है, कैसे, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मैंने डार्क पोर्शन में किया है, या फिर से आपको और कलर के शेड में दिखा दूँ, ओके,
डेट शुड बी योर एंट्री, क्लियर। तो यहाँ पे ये बात हुई आपकी एंट्रिंग की। तो यहाँ पे एंट्रिंग का ये हुआ साइड व्यू। अगर मैं इसे टॉप व्यू के टर्म्स में देखूँ तो टॉप व्यू आपका कैसा दिखेगा? अगर आप इसे टिल्ट कर रहे हो 90 डिग्री, तो इट इज शोन लाइक अ सर्कुलर पाथ, क्लियर। तो सर्कुलर पाथ कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा ड्राइंग करके बताया, लेकिन परफेक्ट तो यहाँ आपको मैं ड्राइंग करके नहीं बता सकता। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं आप यहाँ कन्वर्ट करके बताऊँ तो ये कैसा दिखेगा फ्रंट व्यू में, जो कि यहाँ पे ब्लू वाला पोर्शन है वो रहेगा ये सर, क्लियर। ये जो आपका ब्लू वाला सर्कल मैंने ड्रॉ किया वो, और पिंक वाला सर्कल जो कि आउटर पेरिफेरी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन की है, क्लियर। तो आपको ये दोनों फ्रंट व्यू और टॉप सॉरी साइड व्यू में आपको इन दोनों का जस्टिफिकेशन मिल जाएगा कि इसका शेप कैसा बनता है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर फ्रंट व्यू और साइड व्यू के ऊपर से अगर मैं उसका डेप्थ की बात करूँ कि उसकी डेप्थ या फिर थिकनेस कितनी होगी जो कि एरिया के लिए यूज़फुल रहेगी, तो उसे जो प्रीवियस फिगर में हमने आप देखा उसी हिसाब से मैं आपको बताऊँ कि भाई ये आपका इंटरनल पेरिफेरी है, आउटर पेरिफेरी, इसके ऊपर से दोनों का जो भी एरिया बचता क्योंकि डेप्थ ऑफ दैट एंट्रिंग, प्लस अगर उसके टॉप व्यू से हम देखेंगे तो सिर्फ स्ट्रिप दिखेगी, जो कि यहाँ पे मैंने इस फिगर में ऑलरेडी मेंशन किया है जो कि ये। सो दैट क्रॉस सेक्शन शुड बी इट्स डेप्थ एंड दिस इज इट्स थिकनेस, क्लियर। दिस इज थिकनेस एंड दिस इज द डेप्थ, क्लियर। दैट शुड बी ई, दैट शुड बी टी, बिकॉज डेप्थ इज डिनोटेड बाई डी एंड थिकनेस फॉर टी। सो डेप्थ फॉर दैट एंड्रिंग इज डी ई, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंशन किया है, और थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाई टी, क्लियर। सो एरिया दैट शुड बी गिवन एज ए इक्वेशन ऑफ एरिया ऑफ दैट एंड्रिंग इज इक्वल टू डेप्थ इन टू इट्स थिकनेस। यहाँ पे एंड्रिंग की बात चल रही है तो सारे सफिक्स कौन से रहेंगे, एंड्रिंग के। सो एरिया ऑफ दैट एंड्रिंग शुड बी डेप्थ ऑफ एंड्रिंग मल्टीप्लाई बाई थिकनेस ऑफ द एंड्रिंग एंड इट्स इक्वेशन, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिनोट कर दिया है, ए ई दैट इज इक्वल टू डी ई विच रिप्रेजेंट डेप्थ एंड टी ई विच रिप्रेजेंट थिकनेस, क्लियर। तो ये इक्वेशन हुआ आपका डेप्थ और थिकनेस के बेसिस पे एरिया ऑफ दैट एंड्रिंग। ये दोनों इक्वेशन आपको कहाँ पे यूजफुल होंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई सर हमने एंड्रिंग के करंट के लिए दोनों इक्वेशन डिराइव किए तो किसका क्या रोल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम रोटर बार करंट या फिर एंड्रिंग एरिया की जब हम न्यूमेरिकल बेसिस पे वैल्यू फाइंड करेंगे एट दैट टाइम आपको डेप्थ और थिकनेस दी हुई होंगी, तो यहाँ पे आपको एरिया मिल जाएगा, उसके बेसिस पे आपको करंट डेंसिटी या फिर आपके कोई भी पैरामीटर्स जो दिए हैं उस हिसाब से आप एरिया ऑफ एंड्रिंग फाइंड कर सकते हो। सो दैट वी यूज्ड हियर नोटेशंस ऑफ एंड्रिंग एरिया इन टर्म्स ऑफ रोटर बार करंट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ डेप्थ एंड थिकनेस ऑफ एंड्रिंग, क्लियर। सो ये बात हुई आपके एंड्रिंग करंट। सो लेटर स्टार्ट द रिविजन ऑफ टूडे सेशन दैट वॉट वी स्टडीड टूडे दैट शेप ऑफ द रोटर स्लॉट विच काइंड ऑफ स्लॉट शुड बी यूज, क्लियर। नेक्स्ट वन इज advantages and disadvantages of the closed slots in which आपको क्या डिस्कस करना है कि भाई उसके ओवरलोड कैपेसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, देन आफ्टर रिलक्टेंस या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट लीकेज रिलक्टेंस कैसे रहता है। तो उसी वैल्यू या फिर स्टार्टर के लिए आपको जो भी स्टार्टिंग टोर करंट है उन सब की वैल्यू को कैसे अफेक्ट करता है, जो कि हमने यहाँ पे शेप ऑफ द रोटर स्लॉट में एक्सप्लेन किया था। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको सिर्फ नोट डाउन करना है, देन आफ्टर अगर एंड्रिंग की डिज़ाइन के लिए मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे आपका एंड्रिंग डिज़ाइन
क्योंकि उसके लिए आपको एंड्रिंग में एंड्रिंग करंट है, सॉरी हाँ एंड्रिंग करंट है, तो वो मोटर बार करंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, उसका क्या रिलेशन बनता है, वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो चीज़ मिल जाने के बाद आपको उसका इक्वेशन जो कि एरिया ऑफ दैट एंड्रिंग इक्वेशन डिराइव करना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रोटर बार के करंट के ऊपर। तो रोटर बार करंट के टर्म्स में बताएं तो बार पर पोल डिवाइड बाय टू इंटू रोटर बार रोटर्स पर बार, तो आपका एंड्रिंग करंट जो कि इन टर्म्स ऑफ आरएमएस कितना मिलेगा, एस आर अपॉन पाई पी मल्टीप्लाई बाय आई इंटू बी। उसी इक्वेशन को हम एरिया ऑफ एंड्रिंग को अगर फाइंड करना चाहे तो एरिया फॉर दैट एंड्रिंग दैट शुड बी करंट अपॉन इट्स करंट डेंसिटी, सो एरिया कैन बी फाइंड आउट। तो ये इक्वेशन एक हुआ जो कि एरिया ऑफ एंड्रिंग का। अगर हम डिज़ाइन पैरामीटर या फिर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि भाई आपका जो भी डिज़ाइन पैरामीटर्स है तो उसे हम जस्टिफाई करना चाहें तो कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के बेसिस पे उसकी थिकनेस और इसकी डेप्थ के बारे में पता चल सकता है। एट दैट टाइम अगर हम एरिया फॉर दैट एंड्रिंग इन टर्म्स ऑफ डेप्थ एंड थिकनेस, इफ वी वॉन्ट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट एरिया ऑफ एंड्रिंग इज डेप्थ ऑफ द एंड्रिंग मल्टीप्लाई बाई इट्स थिकनेस ऑफ द एंड्रिंग, सो वी कैन ऑब्टेन द सेकंड इक्वेशन। क्लियर? एट टूडे आई वुड लाइक टू गिव यू सम वर्क विच इज योर फॉर योर वर्कशीट, विच क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन दी वर्कशीट डेट। यहाँ पे आपको आज जो ये सब्जेक्ट डिजाइन है तो थोड़ी डिजाइन ड्रॉ करना है, जैसे कि फर्स्ट पैरामीटर जो कि आपका वर्कशीट क्वेश्चन वन, ड्रॉ दी रोटर स्लॉट्स शेप। इसके अंदर आपको इनक्लोज सेमी इनक्लोज और क्लोज स्लॉट्स ड्रॉ करने हैं जो कि आपका क्वेश्चन वन फॉर दी वर्कशीट। क्वेश्चन टू फॉर दी वर्कशीट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोज स्लॉट्स। क्वेश्चन थ्री ड्रॉ एंड्रिंग डिजाइन, चूँकि आपको दोनों फिगर में से मेनली फिगर टू आपके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन फिगर वन भी ड्रॉ करनी है जो कि हम डिजाइन शीट में करते हैं, तो ये वर्कशीट में आपको ये भी ड्रॉ करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ड्रॉ दैट एंड्रिंग बेस्ड ऑन इट्स डेप्थ एंड थिकनेस, क्योंकि ये आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। क्लियर? ये आज के वर्कशीट में चार क्वेश्चन है जो कि इसमें से तीन फिगर ड्रॉ करनी है और एक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्लियर? होप सो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर होता है तो आप पूछ सकते हैं ड्यूरिंग दी डाउट सेशन। और अब तक का हमने जो कि रोटर डिजाइन का काफ़ी पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप साथ में थोड़ा वर्कशीट का काम भी कंप्लीटली करते रहिएगा तो कि लास्ट मोमेंट पे आपको एक साथ सब करना ना पड़े। क्लियर? ओके, सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय स्वामीनारायण।